कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर। वैसे अगर ज्यादा भूख लगी है तो मैं लंगर खाने से बेहतरीन दाल उसको तड़का देसी की होगा लगवा के ला सकता हूँ। लंगर खाने में अपनी बड़ी वाकफियत है। चीकू पिक पॉकेट से सारा जेल खाना डरता है जी। अच्छा फिर मैं कुछ लेके आता हूँ। अभी मेरे ख्याल है मैं इजाजत दीजिए चल। एक सेकंड ठहरिए। ना तुमने कपड़े बदले हैं ना तुम नीचे आए। इसे तुम शादी कहती हो? जाओ नीचे।
इस सूली पर लटका है आग और धूप का जलता दरिया पार करो कैसे उड़कर राहिला यह है मेरा घर जो अब तुम्हारा है तुम चाहो तो ये जन्नत बन सकता है और चाहो तो जहन्नम पहले ये मकान था तुम्हारे आने से ये घर हो गया है राहिला मैं इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं था ना सास ना नंद ना देवर जिठानी लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें किसी रिश्ते की कमी महसूस ना होने दूंगा मैं कोई ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ लेकिन प्यार की दौलत बेशुमार है जो जिंदगी भर में तुम पर निछावर करता रहूंगा एक मिनट ठहरो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है आप लोगों ने राहिला आप की शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं मेरी आप ही की शादी होगी और मुझे खबर तक नहीं ऐसी बातें तो दुश्मनों से छुपाई जाती है मैं तो फिर उसका भाई था इकलौता भाई अभी जिंदा था उसके सर पे बाप की जगह हाथ रख सकता था मेरे हाथ अभी इतने भी छोटे ना थे कि उसके सर न ढाल सकते पापा जेल के गए आप लोगों ने मुझे भी कब्र में उतार दिया जिंदा दरगोर कर दिया क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा इससे अच्छा था कि मैं मर ही जाता तैमूर तैमूर बेटा रुको भाई सुनो ना भाई भाई पापा की कसम आपको रुक जाए प्लीज अभी नहीं अभी बुरा मत मानना मेरी जान कितनी फिक्र रहती थी तुम्हें घर और घर वालों की तुम्हारे होने ना होने की कोई हैसियत नहीं बेमानी है वजूद तुम्हारा उनके लिए नहीं प्लीज खामोश हो जाओ हम तो चुप कर ही जाएंगे मेरी जान लेकिन तुम भी तो कुछ होश करो क्या करूं मैं जो हम कहते तुम गलत कहते हो ऐसा मुमकिन नहीं नहीं सब कुछ मुमकिन है थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो मेरी जान ये दुनिया हिम्मत करने वालों का साथ देती है एडवेंचर एडवेंचर मेरी जान वैसे यार तुम्हारी आप भी अगर हिम्मत कर सकते बकवास बंद करो नैयर जज्बाती मत बनो तैमूर ठंडे दिल से सोचो वो ठीक कह रहे हैं हम तुम्हारे खैर खां हैं अकल से काम लो यार हम वाकई तुम्हारे खैर खां हैं यार रियली पता कर लिया पता नहीं कहाँ होगा अम्मी नैयर की तरफ तो फोन नहीं किया अभी हमने तो नैयर के हाँ तो फोन ही नहीं है पता मालूम है आपको हाँ एक दफा तैमूर ने बाहर से दिखाया था मैं पहुंच जाऊंगी मुझे पता करना चाहिए अम्मी थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं अगर ना आया तो फिर पता कर लेंगे अम्मी आप आराम कर लेना रात भर जागती रही है बेटा तुम भी तो रात भर जागती रही हो मैं कहती हूँ तैमूर आ जाता तुम दोनों उसके साथ जाके नाश्ता दे आती राहिला इंतजार कर रही होगी अम्मी हम अकेले ही चले जाते हैं नाश्ता ही तो देना एक फॉर्मेलिटी है इतने एहतमाम की क्या जरूरत है नहीं अकेले जाना अच्छा नहीं लगता राहिला भी क्या सोचती होंगी शादियां ऐसी भी होती हैं
ऐसी होती तो है, कम से कम हमने तो अपनी जिंदगी में देख ली है ऐसी शादी। कम ऑन शकीला, मुंह ठीक करो प्लीज, चेयर अप। क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही थी। एक माह तो दुल्हन की मेहंदी का रंग नहीं उतरता और तुमने एक दिन भी इंतजार नहीं किया। मुझे तो रंग चढ़ा ही नहीं, तो उतरेगा क्या? अब तो वो रंग चढ़ेगा जो कभी नहीं उतरेगा। तुम आराम करो, तुमने कोई काम नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा और हर काम उसी तरह करूंगा जिस तरह पहले करता था। मैं तुम्हारे सास ससुर की तरह नाज नखरे उठाऊंगा। जब तुम आराम करके थक जाओगी फिर काम कर लेना। क्या हुआ? कुछ नहीं। घर वाले याद आ रहे हैं? बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा चलो तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, आखिर इस कदर इमरजेंसी क्या थी? कम से कम को मशवरा तो कर लिया होता आपने। आपको सब कुछ बता तो दिया है। जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अब तो सब कुछ हो चुका है। और तैमूर को भी नहीं बताया, इसलिए तो वो नाराज है। आंटी कहाँ है? तैमूर कोई ढूंढने गई है, रात भर घर नहीं आया। अकेली गई है? नहीं नहीं, मानो के साथ है। मैं पता करता हूँ। नहीं पापा नहीं, मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगा। ना बेटा ना, ऐसे नहीं कहते। बेटा तू ही तो उस घर का वारिस है, मेरे बाद तू ही तो सब कुछ है उस घर का। सब कुछ? कुछ नहीं हो पापा, कुछ नहीं हो। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, आपको भी नहीं बताया। बेटा तेरी माँ ने मुझे बताया था, मैंने मना कर दिया था उसे, बल्कि मैंने ही उसे मशवरा दिया था कि ये शादी इंतहाई खामोशी से होनी चाहिए। ये देख बेटा, ये देख, मुझे माफ कर दे बेटा और अब घर जा, जा घर जा, तेरी माँ परेशान हो रही होगी बेटा। जा, शाबाश, जा। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये क्या किया तुमने नसरीन? इतना बड़ा धोखा, उम्र भर के साथ का ये सिला दिया तुमने। खुशी की खबर तो लोग दुश्मनों को भी सुना देते हैं, मौत से पहले ही मार दिया तुम लोगों ने। क्या कहकर बेटी को ब्याह दिया? क्या वो यतीम थी? क्या वो यतीम थी? सबर कर सबीना, अब सबर के सिवा कोई चारा भी नहीं है। सबर तो अब कब्र ही में जाकर मिलेगा। सुहेल की किस किस बात को भुलाऊं, कैसे भुलाऊं? साजिद मुझे किसी हकीम या डॉक्टर के पास ले जाओ जो मुझे ऐसी दवा दे कि मुझे कुछ याद न रहे।
इंसान को अच्छी बुरी यादों के साथ जिंदा रहना पड़ता है। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो मौत का तसव्वुर खत्म हो जाता। साजिद, तुम्हें कुछ पता चला क्या? राहिला की शादी हो गई। हाँ, मुझे मालूम है। वो मेरे सुहेल की मंगेतर थी। राहिला को कोई और ब्याह करने गया। साजिद उसने इस घर में बहू बनाई। इस घर में बहू जरूर आएगी, दुल्हन आएगी, घर में आएगी। मम्मी, डैड, खैरियत तो है? मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या मतलब? डैड कहीं रोमांटिक सीन तो नहीं चल रहा? नहीं, हमारा रोमांटिक सीन तो पुराना हो गया है। अब तो कोई फ्रेश रोमांटिक सीन देखने को दिल करता है। वैसे डैड कोई दूसरी शादी करने का इरादा है? इनकी दूसरी नहीं बेटा, तुम्हारी पहली शादी करने का सोच रहे हैं। हाँ, वो देखो ना, तुम्हारी माँ घर में अकेली होती है तो इसे बेटी की जरूरत है। बेटी की? नो प्रॉब्लम। मम्मी, आज से मैं आपका बेटा नहीं, बेटी। कल से ऑफिस जाना बंद, आपकी खिदमत किया करूंगा, किचन में आपका हाथ बटाऊंगा और जो करूँगा आप कहीं ना मैं करूँगा। बहू? बहू देखिए मम्मी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं कि इस घर में बहू कब आएगी। हो सकता है कल, परसों, साल, दो साल, दस साल, पता नहीं आती भी है कि नहीं। लेकिन जिस दिन आपके शायरा शान को लड़की मिल गई, एक मिनट नहीं लगाऊंगा, फॉर रन आपके पास ले आऊंगा। नाउ मे आई गो? डैड, मैं बड़ा हाँ, मैं जानता हूं इसे, अच्छी तरह जानता हूं। पता नहीं इसे कब, कहां, कौन सी लड़की पसंद आ जाए। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर इसे कोई पसंद आ गया तो फिर इसकी पसंद को कोई नहीं बदल सकता, ना मैं ना तू। सही कह रही है। आपने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की है, फाइन आर्ट की डिग्री तो हासिल नहीं की। लेकिन सर, मैं कोर्स मुकम्मल कर चुकी हूँ। आप ठीक कहती हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, डिग्री से मिलती है। सिद्दीकी साहब, डिग्री सब कुछ नहीं होती। बुल्ले शाह, वारिस शाह, शेक्सपियर, सर सैयद, इनके पास कौन सी डिग्रियाँ थीं? लेकिन उनको पढ़े बगैर हमें डिग्री नहीं मिलती। अगर आप मेरे काम से मुतमिन ना हो तो मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा, मैं आपको ऑफिस में नज़र नहीं आऊँगी। और अगर आप मेरे काम से मुतमिन हुए तो इस इत्मीनान को मेरी डिग्री समझ लीजिएगा। एक्सीलेंट, मलिक जमान साहब ने आपकी सही सिफारिश की थी। तो क्या आप मुझे मलिक जमान साहब की सिफारिश पर रखेंगे? बिल्कुल नहीं, सलाहियत की बिना पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शाहिद भाई ने मारा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। अब अलैदगी में पूछ लें। शाहिद भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानता हूँ। हाँ
आज जल्दी आ गए आप, खैरियत? सर में दर्द हो रहा था, सोचा घर जाकर आराम कर लूं। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं जी, नहीं चाह। परेशान लग रहे हैं कुछ। हाँ, आज फैक्ट्री की एक और मशीन खराब हो गई, सारा काम रुक गया है। तो ठीक करवा ले। नहीं, पहले ही सेकंड हैंड ली थी, और पैसा लगाना मुनासिब नहीं लगता। फिर नहीं मंगवा ले? नहीं तो ले लें, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? आप पापा के ऑफिस चले जाया करें ना, मैंने अम्मी से बात की थी, बहुत खुश हुई थी वो सुनकर। सोचता हूँ कोई एतराज न करे। क्यों भला कोई एतराज करेगा, आप चले जाएंगे तो हमारी फिक्र कम होगी। हाँ, मेरे होते हुए तुम लोगों को फिक्रमंद तो नहीं होना चाहिए, इन मशीनों का भी देख लेंगे कि क्या करना है। फिलहाल तो ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा, सुबह तुम्हारे पापा की पेशी है अदालत में, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह उनके लिए बेहतरी कर दे। अम्मी, मैं नमाज पढ़ के पापा के लिए दुआ मांगूंगी। शाबाश, मैं सोच रही हूँ सुबह अदालत अकेले ही चली जाऊं। ये तैमूर को भी अभी पेशावर जाना था, मैं तो हैरान हूँ ये ताहिर के भाई की शादी कैसे इतनी जल्दी हो गई, ना पहले कोई इत्तला आई ना कोई कार्ड आया। मुझे तो यकीन है तैमूर झूठ बोल रहा है। शकीला, ना डराओ मुझे, अल्लाह करे सही हो, मैं पहले ही बहुत फिक्रमंद हूँ। अम्मी, मैं भी सुबह आपके साथ जाऊँगी। तुम्हारा दोनों का जाना मुनासिब नहीं है, तुम दोनों ने अभी अभी तो जॉब शुरू की है। अच्छा, तो फिर ऐसा करें कि आप जहांज़ेब को साथ ले जाएं। हाँ ठीक है, मैं जहांज़ेब को फ़ोन कर लूँ। साजिद साहब, आज तो हमारे वकील साहब ने कमाल कर दिया, ऐसे दलाइल दिए कि लाजवाब कर दिया। हमारा केस बहुत मजबूत है, आगे आगे देखिए, अभी तो बैरिस्टर तनवीर साहब ने दलाइल देने हैं। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी तारीखें मिलें, मैं जल्द अज जल्द अकमल को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अब सॉरी सर, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं। क्या बोल रहे? 3 तारीख पड़ी है, कोई खास बात? गवाहों को तलब किया अगली पेशी को। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऑफिस ठीक चल रहा है? जी तब तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तैमूर काम में दिलचस्पी ले रहा है? जी जी, बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, यू डोंट वरी सर। गुड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं साहब, मेरे साथ आइए। तो जी तमसीरा, आप अभी तक काम कर रही? सर वो कुछ काम रह गया था। ऑफिस टाइम तो खत्म हो चुका है। सर अगर फराइज को वक्त में कैद कर दिया जाए तो वो फराइज नहीं नौकरी रह जाते। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहती, अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। वेरी गुड, इदारों को ऐसी टीम और स्पिरिट की जरूरत होती है। आपने तो अपना सारा काम खत्म कर दिया था, मुझे दिखाया था। मैंने सोचा सुबह का भी कुछ काम कर लिया जाए। आप तो मुझसे भी तेज रफ्तार निकली। इतनी तेज रफ्तारी अच्छी नहीं है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं।
जी नहीं, शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बाहर तक तो चले। वो सर कुछ काम बाकी है। As you wish. Okay, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आज ही खाना ठंडा हो जाएगा। राहिला, ऑफिस के हालात तो बड़े खराब हो रहे हैं, बल्कि एक इदारे ने तो अंकल की फर्म को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। शायद अब तो आपको ही कुछ करना है। मुझे तो लगता है इसके पीछे साजिद खान का हाथ है। हो भी सकता है। वैसे सुहेल कैसा था? ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही सुना है बहुत स्मार्ट था और हैंडसम भी। प्लीज शाहिद। वैसे खूबसूरत तो झांसे भी बहुत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? बात कोई हो रही है और आप कहाँ की बातें ले आए बीच में? वैसे मजाक कर रहा था। प्लीज आइंदा ऐसा मजाक ना कीजिएगा। जो बात आपके लिए मजाक है, मेरे लिए सबसे बड़ा अजाब बन रही है। सॉरी सॉरी राहिला। आइए बैठिए। तैमूर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ मम्मी? ना किसी से बात करते हो, ना घर के मामलात में दिलचस्पी लेते हो, रात भी देर से आए हो, अपने बाप से मिलने भी नहीं गए। इतने दिनों बाद जो वापस आए हो, बताया ही नहीं कहाँ रह गए थे। अब आप लोग खुद ही मुझे अपने घर के मामलात से जानबूझ के दूर रखना चाहते थे, फिर मैं क्यों इंटरेस्ट लूं? तैमूर, एक काम तुमसे पूछे बगैर हुआ है, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। एक काम नहीं अम्मी, हर बात से बेखबर रखा जाता मुझे। आप भी समझती हैं मैं बेवकूफ हूँ क्या? मुझे नहीं कि तुम शीला और शकीला ने नौकरी कर ली है। अम्मी मुझे बताती तो सही, मैं इतना गया गुजरा नहीं था कि आपके लिए कुछ कर ना सकता। लेकिन आप लोगों को मेरी कोई फिक्र हो तो फिर है ना? नहीं बेटा, अगर तुम्हारी बहनों ने नौकरी कर ली है तो क्या हो गया? तुम क्यों उनसे नाराज हो गए हो और बदजन हो गए? तुम्हारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने किसी मजबूरी के तहत नौकरी नहीं की, शौक से की है, मसरूफ रहने के लिए। और वैसे भी घर में पढ़े पढ़े सिवाय परेशानियों के और क्या मिलता? तो घर में रह रहे के खुद तो खराब हो गया। कहाँ जा रहे हो? मैं बालकनी तक भी नहीं जा सकता। नहीं नहीं, जाओ जाओ बेटा जाओ। मैं तो ये कह रही थी कि थोड़ी देर सो जाते ना, देखो थके हुए लग रहे हो, सुबह ऑफिस जरूर जाना। सो जाओ। पहले पुलिस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। जी सर, और उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की, और फिर हमारे गवाह पेश होंगे। भट्टी साहब, 20 तारीख पर हर सूरत में पुलिस को गवाही के लिए पेश होना चाहिए, बल्कि आप उनके साथ आइएगा और उन्हें खुश रखिएगा। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं चाहता हूं कि कोई तारीख मिस ना हो और केस का फैसला जल्द अज जल्द हो जाए। मैं जानता हूं सर। नहीं नहीं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मेरे अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ मैं जानता हूं, या मेरा खुदा। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अकमल को फांसी पर लटकते हुए देखना है, बस। आज के पर...